नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम इस वक्त खड़े हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में। यहां पर राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता चल रही है और यहां पर जो कलाकार हैं, जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, वो कलाकार अपनी कलाकृतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बेंत बाँस की कला है, लाह कला है, पेपर मैसी कला है, उन तमाम कला की जो नुमाइश है, कला की जो प्रदर्शनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको इधर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से कलाकार अपनी कला को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। क्या बना रही हैं आप? बुद्ध स्तूप। कल अंतिम दिन है, कल हाँ। तक ये तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा। आर्टिस्ट लोग कितनों बनाएंगे तो कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि अच्छा से बनवा। कल फिनिश इसकी प्रदर्शनी होगी, कल इसको जी कल फिनिश हो जाएगा। तो क्या लगता है, इनाम मिलेगा? अब तो आप लोग के ऊपर है, जज करिए। मेरा बनाना काम। बुद्ध की मूर्ति बना रही हैं, प्रिंस दिखाइए। अलग अलग तरह की मूर्तियां बन रही हैं यहाँ पर। आप क्या बना रहे हैं सर? हम बना रहे शिव पार्वती और गणेश जी गोदी में लिए हुए और हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं। तो हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं गणेश जी। ये आप आधुनिक शिव पार्वती कर सकते हैं, जाहिर है आधुनिक कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, हैंडीकैप हैं, तो आधुनिकता इनकी कला में भी नजर आ रही है। शिव पार्वती हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, शिव पार्वती की पूजा होती है, लेकिन गणेश जी के हाथ में मोबाइल है। तो गणेश जी के हाथ में मोबाइल है और तमाम तरह की तस्वीरें हैं। देखिए, कला को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं कलाकार। आप क्या बना रहे हैं? अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर, राम मंदिर खूब चर्चा में है और राम मंदिर बनने का ऐलान हो चुका है। देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि देश में गगनचुंबी राम मंदिर बनेगा, तो वो उसको भी यहाँ जगह मिली है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए। राम मंदिर बनाया जा रहा है, अभी शुरुआती दौर है उसके बनने का और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल चूंकि आखिरी दिन है तो ये बनेगा, तो तमाम तरह के कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आप क्या बना रही हैं? कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। तो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण जी बन रहा है और इसी तरह से तमाम मूर्तियां आपको लेके चलेंगे। उधर दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग कला की प्रदर्शनी यहाँ पर भी है। पेपर मैसी है, लाह कला है, बेत बांस है, तमाम तरह के कलाकार जुटे हुए हैं अपनी कलाकृतियों को बनाने में। मैम, क्या बना रही हैं आप? ये हम सेव नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। बहुत आजकल इम्पोर्टेंट है, पहले सेव पर इन्वायरमेंट को सेव करना, पेड़ पौधा, अब खुद को हम लोग को बचाने के लिए पहले जरूरी है पेड़ पौधे एंड वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। तो खुद को बचाना है तो पर्यावरण जरूरी है और अपनी कलाकृति के माध्यम से अपनी कला का पूरा इस्तेमाल करके पर्यावरण के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है और ये इस तरह बनाया जा रहा है। अच्छा, मैडम ने मछली का कोठी बनाया है, वहाँ रखा हुआ है, तो सामान हमने अपने कैमरे में सबको दिखाया है। जी, और कल आखिरी दिन है इसका। लास्ट। तो कितनी उम्मीद है, कितना लगता है इस प्रतियोगिता में? अरे, हम तो यहाँ 3-4 बार आए हैं, तो मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनाती हैं। हाँ, बनाती। तो चलिए, इनाम के लिए नहीं, अपनी कला का प्रदर्शन भी करती हैं और उसके लिए लगी हुई हैं लगातार। मछली का कोठी बनाई है, मछली का कोठी बनाई है आपने, तो आइए दिखाते हैं। ये पेपर मैसी का बोर्ड लगा हुआ है, लाह कला का बोर्ड उधर है, बेत बांस का है। क्या बना रहे हैं सर आप? जी सर, मैं बना रहा हूँ माँ काली को। मेरा पेपर मैसी अच्छा है, काम करने के लिए, काम करने में मेरा शौक है। मैं आरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर बेहियाँ से आया हूँ। अच्छा, तो लगातार आप बनाते हैं? जी सर, मेरा लगातार मैं बनाता हूँ। हरदम मैं आता हूँ इस प्रतियोगिता में। ये प्रयोगिता मेरे को अच्छा लगता है देखने में। सरकार इस पर और थोड़ा मदद करे तो अच्छा ये संस्था चलेगी। एक बात निकल कर सामने आ रही है, कलाकारों की अपेक्षा होती है, कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी कला का पूरा जौहर दिखाते हुए किसी कलाकृति को बनाता है, मूर्ति बनाता है, कुछ गढ़ता है, लेकिन सरकार से भी अपेक्षा होती है। ठीक है, इनाम मिले न मिले, प्रतियोगिता में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन सरकार थोड़ा कलाकारों को प्रोत्साहित करे ताकि वो इस रास्ते पर आगे चल सके और बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। यहाँ पर लाह कला का नमूना आप देख सकते हैं,
क्या बना रहे हैं? चूड़ी बना रहे हैं? लैवेंडर बना रहे हैं। कैसे बनता है चूड़ी, बना के दिखाइए। देखिए इस तरह से यहाँ पर चूड़ी बनाई गई है और ये यहाँ पर बन रहा है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बना रहे हैं। पूरा प्रोसेस भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कब से बना रहे हैं आप? हर वर्ष यहाँ पूर्व जी बाप दादा से टाइम से बना रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से आप आए हैं और यहाँ चूड़ी बना रहे हैं। कल दिखाना है प्रदर्शनी में, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं महिला हैं, चूड़ी बना रही हैं। कब से आप आई हैं? दरभंगा से। और हर वर्ष आती हैं? ये बेंत बांस की कला है मैम, क्या बना रही हैं? जी ये गाछ बन रहा है, फूल पौधा बन रही है। हरियाली के सीन हम देने जा रहे हैं, गांव का सीन है और पर्यावरण पर दे रहे हैं, स्वच्छता पर भी दे रहे हैं, शौचालय और सब है, हम गांव का सीन बना रहे हैं। तो ये वो तमाम कलाकार हैं जो अपनी कला को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। फिर बता दें कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता चल रही है और उस प्रतियोगिता के लिए ये तमाम कलाकार जुटे हुए हैं। ढेर सारे कलाकार हैं, कई कलाकारों से हम बात भी नहीं कर पाए हैं लेकिन तस्वीरें हमने आपको जरूर दिखाई है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।